तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस आइडेंटिफाई करने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में और आपके हैंगिंग मैन में। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों ही अलग तरीके के हैं, लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इसमें एक शूटिंग स्टार भी होता है, जो एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न है, और एक होता है स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम, वहाँ पर भी आप कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उसका वीडियो में दूसरे इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे हैंगिंग मैन की, हैमर की और इन्वर्टेड हैमर की। आप तीनों में डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हैंगिंग मैन पे। हैंगिंग मैन क्या कह रहा है भैया, ये एकदम बियरिश पैटर्न होता है जो काफ़ी मजबूत अप ट्रेंड में बनता है। मतलब हम सीधी सी बात है, अप ट्रेंड में या तो टॉप पर बनेगा या रेजिस्टेंस के आसपास बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये कैंडल निकालना है, देखना है। देखो ये एक हैंगिंग मैन है, बियरिश पैटर्न है, ऊपर मिलना चाहिए अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड के खत्म होते ही आपको हैंगिंग मैन पैटर्न दिखेगा, वहाँ पर आपको एक सेल ट्रेड बनानी है। ये काफ़ी बियरिश होता है, इसके नीचे की शेडोर काफ़ी लंबी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कलर मैटर नहीं करता है। और इसकी ऊपर की जो शेडो है, जो अपर शेडो है, या तो वो नहीं हो सकती, हो भी सकती है, अगर होगी तो काफ़ी छोटी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, हम आपके सवाल का जवाब वहाँ पर क्लियर दे देंगे, ठीक है। कोई वीडियो होगी तो वो भी देखो, लाल और हरी दोनों हो सकती है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम चार्ट पर समझेंगे, तो आप चार्ट पर आ जाओ, मैं इसको एक्चुअल चार्ट पर भी समझाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो पहले यहाँ पर पीडीएफ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पर भी जाएंगे। जैसे ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर आप देखो अप ट्रेंड में आपको मिल रहा है, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बन रहा है। हैंगिंग मैन मतलब एक लटकता हुआ आदमी, सपोज करो दिस इज हैंगिंग मैन, ओके। चलो यहाँ पर आपको इसके लो के नीचे एंट्री बनानी है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और आगे। ये आपका हैंगिंग मैन हो गया, अब हम हैमर पर चलते हैं, हैमर को भी समझते हैं, ओके। हैमर इन्वर्टेड हैमर दोनों को समझते हैं, ओके 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 ओके, आ गया होगा हैमर, ठीक है। देखिए पहले हम हैमर पर चलते हैं, फिर इन्वर्टेड हैमर पर भी चलेंगे। ये देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न सिंपल सा है भैया, ऊपर ये बिल्कुल हैंगिंग मैन की तरह है, आप देख लो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हैंगिंग मैन में बस छोटा सा ये डिफरेंस था कि इसकी एक अपर शेडो थी, लेकिन यहाँ पर कोई अपर शेडो नहीं है। इसका फुल वीडियो सारे चार्ट पैटर्न्स का, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का मेरे यूट्यूब पर है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दिया, आप जाकर देख सकते हैं। फटाफट बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस पर भी हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैंडल की बॉडी छोटी होगी, लोअर शेडो काफ़ी लंबा होता है, अपर शेडो बिल्कुल नहीं होता, उसे हम हैमर कहते हैं। इस प्रकार की कैंडल लाल हरे दोनों किसी भी कलर की हो सकती है, जस्ट लाइक आपका हैंगिंग मैन। हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में बनती है, मतलब ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर आपको बॉटम पर मिले या सपोर्ट पर मिले या बहुत नीचे मिले, आप इसको रिवर्स करेंगे अपसाइड ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं, देखो बियरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल में सीधा सा डिफरेंस है। बियरिश रिवर्सल का है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब बुल आने वाले हैं। बियरिश रिवर्सल का सीधा सा मतलब है कि अब ट्रेंड चल रहा है, वहां से मार्केट गिरने वाली है या गिर सकती है। ये देखो 90% इसमें एक्यूरेसी होती है कि भैया मार्केट यहां से अब रिवर्स हो जाएगा, अपसाइड जाने की तैयारी। ये आपको दिख रहा है आपका हैमर बिल्कुल डाउन ट्रेंड में। इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर ऐसा, आप हथौड़े को ऐसा पकड़ो, हथौड़ा ऊपर रहेगा, शॉर्ट बॉडी नीचे लॉन्ग, आपकी लोअर शेड होगी। उसी में इन्वर्टेड हैमर को आप ऐसे पकड़ लो, हैमर आपने ऐसा पकड़ लिया तो वहाँ पर आपका बन जाएगा इन्वर्टेड हैमर। तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर, ये भी वही चीज़ है। इन्वर्टेड हैमर हैमर दोनों ही आपको बुलिश रिवर्सल का साइन देंगे, दोनों ही आपको बॉटम पर देखने हैं, डाउन पर देखना है, डाउन ट्रेंड पर देखना है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसका संकेत मार्केट में तेजी से बदलाव आने का होता है। मंदी का समय जा चुका है, तो आपका बॉटम बन चुका है, सपोर्ट पर आप आ चुके हैं, एक तरीके से दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, दोनों का अलग मतलब है। इस कैंडल की बॉडी काफ़ी छोटी होगी, ऊपर की शेडो काफ़ी बड़ी होगी, नीचे की शेडो होती भी है नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें हैं। यह किसी भी रंग की हो सकती है, तो इसको आप यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे तो आपको दिखेगा, मैं और इसको जूम कर दिया हूँ। ये देखो ये आपको एक तरीके से दिख गया यहाँ पर, ओके क्लियर। ये आपका इन्वर्टेड हैमर, हैमर कोई सा भी हो, इन्वर्टेड हो या नॉन इन्वर्टेड हो, सिंपल हैमर हो, दोनों ही आपके बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जबकि हैंगिंग मैन आपका बियरिश रिवर्सल होता है। ये आपको नीचे मिलेंगे हैमर दोनों, और आपको ऊपर मिलेगा हैंगिंग मैन। इसको हम चार्ट पर भी देख लेते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक, इसको हम लोग देखते हैं चार्ट पर जाकर।
निफ्टी के चार्ट पर जाकर देखेंगे, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी भी अगर आप अभी भी देख रहे हो वीडियो को तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमें भेजिए, उसका हम आपको जवाब निकाल के दे देंगे। मैं देखो, मुझे पूरा बॉटम पर तो वो चीज़ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि कहीं ना कहीं हमें मिल जाए। तो देखो, इस वाले चार्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा आपका इन्वर्टेड हैमर, ये वाला देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर। देखो, शेडो हो भी सकती है, शेडो नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें। तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर मिला, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, इसके ऊपर कोई भी कैंडल जाती है तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई। और ये इसके बाद आपको काफ़ी, देखो पहले आप रेजिस्टेंस के पास गए, रेजिस्टेंस के पास वापस से आपको ब्रेकआउट मिला और वो ट्रेड बहुत बढ़िया हुआ। चलो देखो कहाँ तक गया। चलो एक ये हो गया, अब मैं आपको हैंगिंग मैन भी दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं हैंगिंग मैन भी हमें मिल ही जाएगा। ये देखो, ये हैंगिंग मैन नहीं है, ये वाला कैंडल जो है आपका डोजी है, ये वाला साइड वाला, इसको हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे आप। मैं आपको हैंगिंग मैन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बना होगा। ओके, मिल जाइए हैंगिंग मैन साहब हमें। ये देखो, ये एक तरीके से हैंगिंग मैन है। देखो हैंगिंग मैन क्या कहता है भैया, शेडो हो भी सकती है, शेडो नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये आपका हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया, ये वाला, ये आपकी एंट्री हो गई और ये आपका एसएल हो गया। ओके ठीक है, ऑल क्लियर। अब हम इसको और कहीं देख लेते हैं, जैसे ये वाला है, ये भी आपका एक तरीके से हैंगिंग मैन हो गया, लेकिन ये एक स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग, चलिए हम इसको हैंगिंग मैन ही मानते हैं, अगर अपसाइड बन रहा है बढ़िया है, एक हैंगिंग मैन मान लो। चलिए, ये भी आपका एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, आप यहाँ पर देख लो, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, लोअर शेडो काफ़ी छोट है नहीं या हो सकती है, दोनों चीज़ें। और ये वाला आप देखेंगे, ये वाला कैंडल, ये भी मस्त कैंडल है, ये आपका एक तरीके से हैमर बोल सकते हो आप। ओके, और कहीं मिल जाए हमें, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है। ओके, हाइपर कहीं पर आपको मिल रहा है, ये देखो, ये आपका हैंगिंग मैन मिल गया आपको हाइपर, ये अप ट्रेंड था यहाँ पर। देखो ये 5 मिनट में भी काम करेगा, इक्विटी में भी काम करेगा और बड़ी टाइम फ्रेम में भी काम करेगा। तो आप इस तरीके से इसको देखें, ये आपका हैंगिंग मैन हो गया एक तरीके से। और चलिए और कुछ देख लें, देखो ये वाला जो कैंडल है, ये है स्पिनिंग, इसके बाद भी हम बाद में करेंगे, पर यहाँ पर मिल रहा है तो आप इसको नोट कर लो अपने, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला आप देख लो, रेड कैंडल, सबको नोट करते रहो। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स है तो शायद आपको यहाँ पर सारी कैंडल्स मिल जाएगी। ये देखो, ये है आपका हैमर, ये एक्चुअल हैमर, ये सिंपल हैमर है। ओके, ये आपको हैमर मिला, हैमर के आसपास आपकी एंट्री बनी और आपने ये ट्रेड राइड किया। वापस से आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक छोटी सी नैरो नेज दिखाई, आपको यहाँ पर सारी कैंडल्स मिल जाएगी। ये आप हैंगिंग मैन मान लो इसको, ये आपकी स्पिनिंग कैंडल हो गई, ये वापस से आपके दो हैंगिंग मैन बन गए, ये आपकी स्पिनिंग बन गई, काफ़ी शानदार चीज़। ठीक है, मैं एक बार इसको वापस से आपको चार्ट लाइट्स क्लियर करके बता देता हूँ, अगर आप ये आपको समझ में नहीं आया हो तो ये आपका हैमर हो गया, ये देख लीजिए, ये आपकी स्पिनिंग कैंडल हो गई, ये आपके दो हैंगिंग मैन हो गए, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, मैं फिर से क्लियर करता हूँ और इसको हल्का सा जूम करता हूँ, ये देखो, ठीक है, हैमर और ये आपके दो हैंगिंग मैन। ठीक है, ये इसको भी आप हैंगिंग मैन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, हैंगिंग मैन वर्सेस हैमर वर्सेस इन्वर्टेड हैमर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो कृपया करके आईडी को फॉलो करें, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अभी भी ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो नमस्कार दोस्तों, समाप्त करते हैं, इसके बाद हम आएंगे स्पिनिंग टॉप पर और स्पिनिंग बॉटम के साथ में शूटिंग स्टार को लेके। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।